हेलो मेरे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जानती हूँ कि हर एक लड़की को चाहत होती है अपने लंबे बालों की, और जब ये हेल्दी हो तो क्या कहने। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी इससे ही रिलेटेड है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 4 से 5 मंथ का टाइम होता है, उनकी शादी होने वाली होती है। तो फ्रेंड्स, 4-5 मंथ आपके लिए बहुत है आपके बाल लंबे करने के लिए। 4 से 5 मंथ में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डोंट वरी, आज का रेमेडी इजी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, और ये आपके बालों को डबल स्पीड से बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे आपके लाइक और शेयर बहुत पसंद है। तो सबसे पहले इस आसान से रेमेडी के लिए आपको लेना है कलौंजी 1 बाउल, छोटा सा बाउल है फ्रेंड्स साइज़ में। और फ्रेंड्स, अब हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है मेथी दाना यानी कि फेनिग्रीक सीड्स। ये भी हम 1 बाउल डालेंगे। दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स, इक्वल रखना है इन दोनों को। इन दोनों को एक ही बाउल में डाल दीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। फ्रेंड्स, पानी आपको उतना ही रखना है कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से डिप हो जाए। उसके बाद आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पूरी रात एक साइड रख दीजिए। यानी कि फ्रेंड्स, इन दोनों को हमें पूरी रात सोक करके रखना है, जिससे कि इसके जो बेनिफिट्स है, इसका जो फ़ायदा है, इस पानी में आ जाए अच्छी तरह से। मैं आपको बहुत तामझाम नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो कि ये एक रात सोक करने के बाद पानी का कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया है, और ये भी फूल ही गए हैं। और अब हम इस पानी को ड्रेन कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे और सेपरेट कर देंगे, और ये जो इनके सीड्स हैं इनको अलग कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप चाहते हो और अच्छा हेयर ग्रोथ, तो ये जो सीड्स बचते हैं पानी निकालने के बाद, आप इनका भी पेस्ट बनाकर इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले, ये इसका पेस्ट बन जाएगा। इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने बालों पर, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पर फ्रेंड्स, ध्यान रखें क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और जो बर्दाश्त कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, गर्म चीज़ों को, जैसे कि मुझे कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये सब लगा लेती हूँ और कुछ चीज़ें नॉर्मली यूज़ कर लेती हूँ, तो फ्रेंड्स आप वो भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो फ्रेंड्स वो आप ज़रूर देख लें। ये जो पानी है ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से स्ट्रेट करता है और आपके बालों को कंडीशन करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके बाल काले नहीं हैं, आपके बालों में प्रॉब्लम है, जल्दी वाइट हो गए हैं, यानी कि आपके बालों में जल्दी से सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है, उसको भी ये दूर करेगा, डैंड्रफ भी कंट्रोल करेगा, और यहाँ तक कि आपके बालों में जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है उसको भी रोक कर आपके हेयर ग्रोथ डबल कर देगा। लगाने का तरीका आपको बता देती हूँ। हमेशा नहाने से पहले इसका अपने बालों पर अच्छी तरह से स्प्रे करें, और फिर हल्के हाथों से अपने बालों पर अच्छी तरह से मसाज करें, और आधे से 1 घंटे तक के लिए आप इसको छोड़ दें। आप चाहे तो शावर कैप से कवर भी कर सकते हैं, वरना इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। और फिर आप अपने फेवरेट शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। फ्रेंड्स, 10 से 15 दिन में आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, ये नेचुरल है तो इसका नुकसान तो आपको होगा नहीं। और फ्रेंड्स, किसी भी नेचुरल चीज़ का आपको फ़ायदा तुरंत तो होता नहीं है, तो फ्रेंड्स थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगली न्यू और इफेक्टिव वीडियो के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।